दोस्तों नमस्कार, बहुत स्वागत है। एमपी बोर्ड की फ्री स्कूटी योजना के तहत स्कूटी देने और साथ ही 25,000 की राशि लैपटॉप खरीदने के लिए देने को लेकर वर्तमान में जो बच्चों ने 12वीं कक्षा एमपी बोर्ड के जो बच्चे हैं उन्होंने उत्तीर्ण कर लिया है, 75% उनके आए हैं, 75% आए हैं, तो वह तैयार हो जाएं उनके लिए खुशखबरी है। जल्द ही उनके खाते पर यह राशि दी जाएगी। कब तक, किस महीने में आ जाएगी राशि, उसको लिए कंप्लीट वीडियो आपको देखना पड़ेगा। स्कूटी के लिए क्या प्रोसीजर है, किनको स्कूटी मिलेगी और साथ ही लैपटॉप 75 जिनके भी आए हुए हैं उनको लैपटॉप की राशि दी जाएगी। तो स्कूटी किनको मिलेगी, तो यहाँ पर उनके लिए कंप्लीट प्रोसीजर मिलेगा। स्कूटी पाने के लिए आपको एक शपथ पत्र देना पड़ता है जिसमें आप एजेंसी के एस्टीमेट और साथ ही उसमें आप लिखते हैं कि हम स्कूटी लेंगे पेट्रोल वाली या फिर बैटरी वाली, उसके अनुसार आप कंप्लीट जानकारी बताएंगे। एक बड़ी खबर है, एमपी बोर्ड की 12वीं में 75 यानी 75% अगर आपके आए हैं तो वीडियो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होगा। 75% लाने वाले 90,000 से अधिक बच्चों को लैपटॉप देने की तैयारी पूरी हो चुकी है। साथ ही एक और योजना एमपी बोर्ड की रहती है जो 12वीं कक्षा वाले बच्चों के लिए फ्री स्कूटी योजना है। स्कूटी दो तरह की मिलती है, एक बैटरी और एक पेट्रोल। किनको कौन सा मिलेगा इसके लिए वीडियो को आप पूरा देख लीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए, भोपाल से जो अपडेट हमारे पास आया हुआ है, प्रदेश में इस बार कक्षा 12वीं में 75% से अधिक अंक लाने वाले करीब 90,000 मेधावी छात्रों को लैपटॉप की राशि दी जाएगी। यह राशि उनकी खातों पर आती है। इसके साथ ही स्कूलों के टॉपर विद्यार्थियों को स्कूटी भी प्रदान की जाएगी। यह संख्या करीब 7,000 है जिनको स्कूटी मिलना है बताई जा रही है। वहीं स्कूल शिक्षा विभाग ने इसको लेकर तैयारी शुरू कर दी है। 75% अंक लाने वाले विद्यार्थियों को लैपटॉप के लिए 25,000 यानी 25,000 प्रति छात्र यहाँ पर राशि उनके खातों पर दी जाएगी। इस बार इस योजना के तहत इस पर टोटल जो खर्च अनुमानित है 200 करोड़ से ज़्यादा की राशि खर्च होगी। विभागीय जानकारों के माने तो जुलाई तक लैपटॉप की राशि मिलने की संभावना है, यानी जुलाई तक राशि उनके खातों पर आ जाएगी जो 12वीं कक्षा इस साल उत्तीर्ण कर चुके हैं। वहीं स्कूल शिक्षा विभाग ने माध्यमिक शिक्षा मंडल से मेधावी छात्र विद्यार्थियों के आंकड़े मंगाए हुए हैं, तो परेशान बिल्कुल नहीं होता। इसका प्रोसीजर भी आपको यहाँ पर बता देंगे कि लैपटॉप लेने का क्या नियम है और स्कूटी लेने का क्या नियम है। स्कूटी वाले बच्चों की संख्या वर्तमान में जो 12वीं पास किए हुए हैं 7,000 विद्यार्थी हैं जिसको स्कूटी मिलेगा। और यहाँ पर देखिए, जो लैपटॉप की अगर राशि की हम बात करें तो इस बार पिछली बार के मुकाबले 11,759 विद्यार्थी बढ़ चुके हैं। जानकारी के अनुसार पिछले साल 78,641 विद्यार्थी को लैपटॉप खरीदने के लिए राशि दी गई थी। यह संख्या पिछले साल की तुलना में 11,759 अधिक है। वहीं तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान उस समय थे, उन्होंने पिछले साल की घोषणा पर अमल किया और इस बार से यहाँ पर CBSE के विद्यार्थी को भी इसमें शामिल किया जा सकता है। हालांकि इसका ऑफिशियली मंजूरी अभी नहीं मिली है, उनकी घोषणाएं थी क्योंकि मुख्यमंत्री बदल चुके हैं, डॉक्टर मोहन यादव हैं, तो ये अमल करते हैं कि नहीं। लेकिन यहाँ पर स्कूटी और लैपटॉप एमपी बोर्ड के छात्रों का मिलना तय है, CBSE वाले में भी डाउट है। वहीं ये नियम बदला गया था, 75 पहले थे उन्हीं को ये लाभ मिलता था, लेकिन अब 85 से पहले अब 75 में मिल रहा है। माध्यमिक शिक्षा मंडल के 12वीं के मेधावी विद्यार्थियों को लैपटॉप के लिए 25,000 रुपए की राशि की योजना जो है 2009-10 में शुरू हुई। इस योजना के अंतर्गत मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना के तहत शुरुआत में मेधावी विद्यार्थियों को 85% अंक निर्धारित किए गए थे। इस दौरान विद्यार्थियों की संख्या 20,000 से 25,000 के आसपास होती थी। वर्तमान में 12वीं में 75% का लाने वाले मेधावी विद्यार्थियों के लिए इस योजना के तहत लैपटॉप की राशि दी जाती है।